उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र चीर है। कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने दो चीज कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर है, दूसरी बात उन्होंने कहा कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकास बात है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसा विकास बात है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करा, उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित थे, कैसी व्यवस्था थी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु है। लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में है, आपके पक्ष में उस तरह आपकी इच्छा अनुसार नहीं है। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रबंधन का चुनाव है तो आपके हिस्सा पैदा नहीं, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है, उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है आप उसको उठा के ले जा रहे हैं, नामांकन पत्र उठाए जा रहे हैं, जो महिला उम्मीदवार है उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों कि किसको वोट देना चाहिए, कहीं पे बम फूट रहे हैं, कहीं पे आप पैसा लगा रहे हैं, गोली लगा रहे हैं, क्या हो रहा है इस तरह से? तो क्या आप सोचते हैं कि जनता मन रहे विपक्ष मन रहे कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है वो इसीलिए कर रही है कि पूरी तरह से नाकाम है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म, आप प्रमाण पत्र में नए हैं अपनी भी कदम है। तो इस तरह से लोकतंत्र का जो बाल हुआ है, संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है, इनके राज्य पिछले कुछ सालों से चला रहा है। लेकिन अब इस स्तर पर जीत गया है प्रशासन पुलिस हर चीज का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र, तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं, हम ऐसा नहीं करना चाह रही थी मैं आपको।